कैसे व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों के साथ। 16 दिसंबर 2012 जब दिल्ली के मुनेरका इलाके में 6 दरिंदों ने मिलकर एक छात्रा के साथ बलात्कार किया था और फिर उसे बस से बाहर फेंक दिया था। 29 दिसंबर को पीड़िता ने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना ने देश भर के लोगों के अंदर रोष पैदा कर दिया था। इसके बाद सरकार ने निर्भया कानून बनाया और निर्भया फंड भी। निर्भया कांड के बाद दिल्ली सहित देश भर में लोगों ने जिस तरह महिला सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार हरकत में आई, इसके बाद लगा था कि जैसे हालात तेजी से सुधरेंगे। लेकिन उस घटना के 9 साल बाद भी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति में अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली में तो स्थिति और बद से बदतर हुई है। रोजाना महिलाओं के साथ छेड़खानी के नए मामले सामने आते रहते हैं। आज हम आपको दिल्ली के वो इलाके बताएंगे जहां पर महिला कतई सुरक्षित नहीं है। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SN श्रीवास्तव ने महिलाओं के साथ हुए अपराधों का भी जिक्र किया। महिलाओं के साथ हुए अपराधों का आंकड़ा तो जारी किया ही गया, साथ ही साथ 14 ऐसे डार्क स्पॉट के बारे में बताया गया जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये वो 14 खतरनाक इलाके हैं जहां महिलाओं को खतरा है। दिल्ली का बिंदापुर, द्वारका साउथ, द्वारका नॉर्थ, सागरपुर, न्यू उस्मानपुर, सुल्तानपुरी, निहाल विहार, प्रेमनगर, KN काटजू मार्ग, समयपुर बादली, आनंद पर्वत, लक्ष्मीनगर, मयूर विहार, खजूरी खास, ये वो इलाके हैं जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े जारी किए उससे पता चलता है कि दिल्ली में रेप का शिकार पीड़िता के गुनाहगार अधिकतर मामलों में परिचित ही होते हैं। पुलिस कमिश्नर ने साल 2019 और साल 2020 के आंकड़े जारी किए। साल 2019 से 2020 में सबसे ज्यादा 44% आरोपी परिवार के लोग या करीबी थे। 26% आरोपी पीड़िता के ही जानकार थे। खुद के रिश्तेदारों का प्रतिशत 14 है, जबकि 12% आरोपी पीड़िता के पड़ोसी थे। रेप के केस में सिर्फ 2% आरोपी ऐसे हैं जो पीड़िता को नहीं जानते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए उससे ये साफ हो जाता है कि महिलाओं को अपनों से ज्यादा खतरा है, न कि अनजान लोगों से। इस वजह से रेप के मामलों में सिर्फ 23% आरोपियों को कोर्ट से सजा हो पाती है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 1699 रेप के मामले दर्ज हुए, जिसमें से सिर्फ 23% आरोपियों को ही सजा हो पाई, बाकी सब बरी हो गए, जबकि देश भर में सजा का प्रतिशत 28 है। दिल्ली में 21% हत्याएं गुस्से में आकर की गई। सबसे ज्यादा 44% हत्याएं दुश्मनी और अन्य विवादों की वजह से हुई है। हत्याओं के मामलों की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2020 में दिल्ली में कुल 472 हत्याएं हुई थी, जबकि 2019 में 521 हत्याएं हुई थी। हालांकि 2019 की तुलना में 2020 में हत्याओं में कमी आई। दिल्ली में सबसे ज्यादा 44% मर्डर आपसी दुश्मनी और अन्य विवादों की वजह से हुए, जबकि 21% कत्ल आरोपियों ने अचानक से आवेश में आकर किए। मतलब आरोपी की हत्या करने के पीछे कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक बने हालात में गुस्से में आकर हत्या को अंजाम दिया गया। आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।